वेलकम बच्चों, हमारी आज की वीडियो एक डिमांडिंग वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आज की वीडियो, देखिए। आज हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। यहाँ पे कितने भी डिजिट हो सकते हैं, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट नंबर। यू में रिपीट अ डिजिट, जिसमें आपको एक डिजिट रिपीट करना है यूजिंग द फ्लोइंग डिजिट्स। नीचे जो आपको डिजिट दिए होंगे, ठीक है, जितने डिजिट आपको दिए होंगे उससे एक ज्यादा नंबर आपने बनाना है एक डिजिट को रिपीट करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिपीटिंग डिजिट वाले हम कैसे करते हैं, देखिए। स्मॉलेस्ट नंबर में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 1 है। अब अगर हमें स्मॉलेस्ट डिजिट रिपीट करना है और 7 डिजिट बनाना है, 6 डिजिट हमें दिए हुए हैं, तो एक डिजिट को हमने रिपीट करना है, तो हम स्मॉलर नंबर बनाने के लिए स्मॉल डिजिट को हम रिपीट कर देते, ठीक है। स्मॉल डिजिट हमारा 1 था, 1 को हमने रिपीट कर दिया, 2 times 1 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्मॉल नंबर क्या है, डिजिट क्या है, 3। इसके बाद स्मॉल डिजिट 4, फिर कौन सा डिजिट है, 6, 7 and 8। देखिए बन गया 7 डिजिट नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। ये 7 डिजिट नंबर बन गया। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ग्रेटर डिजिट को रिपीट करेंगे, तभी तो वो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा। तो ग्रेटर डिजिट क्या है हमारा, 8। 8 को हम 2 times लिख लेंगे। उसके बाद 8 के बाद ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है, 7, फिर 6, फिर 4, 3 and 1। इसमें हमने 1 दो बार लिखा था क्योंकि हमें स्मॉलर नंबर बनाना था, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना था, इसलिए हमने स्मॉल डिजिट को रिपीट कर दिया। यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, इसलिए हमने ग्रेट वाले डिजिट को, बिग वाले डिजिट को रिपीट कर दिया, ठीक है। होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब इसमें पहले हमने स्मॉल नंबर बनाना है, स्मॉल नंबर में सबसे स्मॉल किया 0। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि 0 को हम फर्स्ट प्लेस पे नहीं लिखते, तो फर्स्ट प्लेस पे हमारा सेकंड वाला स्मॉल डिजिट आ जाएगा। सेकंड स्मॉल डिजिट क्या है, 3, ठीक है। अब हमने रिपीट करने, रिपीट हमने कौन सा करना है, स्मॉल नंबर बना रहे हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर बना रहे हैं तो स्मॉल डिजिट को रिपीट करना है। स्मॉल डिजिट क्या है, 0, तो 0 को हम 2 times रिपीट कर देंगे, ठीक है। 3 हम फर्स्ट प्लेस पे लिख चुके हैं, उसके बाद 4, फिर 5, फिर 8 and 9। देखिए 7 डिजिट नंबर बन गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाने, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम क्या करते हैं, बड़े वाले डिजिट को रिपीट करते हैं। बड़ा डिजिट क्या है, 9, तो 9 को 2 times लिख लेंगे। इसके बाद आएगा 8, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 0, ठीक है। ग्रेटेस्ट डिजिट ये हमारा बन गया, देखिए बन गया 7 डिजिट नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। बच्चों कई बार हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि हमें ये वाला डिजिट रिपीट करना है। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है रिपीटिंग 9 2 times, तो फिर आप अपनी मर्जी से रिपीट नहीं कर सकते, फिर आपको 9 ही दो बार रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। या दिया हो रिपीटिंग 3 2 times, तो आपको 3 ही 2 times रिपीट करना पड़ेगा, फिर आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अगर खाली कहा हो कि यू मे रिपीट अ डिजिट, तो आप कोई भी रिपीट कर सकते हैं डिजिट, बट अगर आपको डिजिट गिवन है कि आपको ये वाला डिजिट रिपीट करना है, तो आपको वही डिजिट रिपीट करना पड़ेगा। होप ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।